नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बिचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। मुख्यमंत्री नामकुम मैदान में मैया सराजपा मरने वाले युवाओं के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर चुकी है कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी, हम स्कूल तक गए 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेकर 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए आप घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं आज इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे, लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा।